की ओर मुह करके ही बैठे हैं नंदी जी। आज उनकी तपस्या सफल हुई, सर्वेक्षण कराया गया, सर्च कमेटी ने सर्वेक्षण किया। पहले तो राक्षस विरोध कर रहे थे, फिर दंडे लगाए कोर्ट ने, न्यायालय ने, 1500 जवानों की सुरक्षा के क्रम में 1500 जवान तैनात किए गए वहां। तो 3 दिन तक सर्वेक्षण चला, प्रतिदिन 6-6 घंटे चलता था, आज 2 घंटे चला। अंतिम सर्वेक्षण में ज्ञान बापी के कुएं से 12 फीट 8 इंच लंबे और 4 फीट चौड़े शिवलिंग की वहां प्राप्ति हुई। हम लोग इतने प्रसन्न हैं, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे गहरे पानी पैठ। हमने कहा भी था अल्फाबेट क्रम से, हम अक्षरों के क्रम से चलेंगे। 3 मंदिरों पर इन्होंने हठात अधिकार किया था, तो अ अयोध्या हमने ले लिया, अब अ के पश्चात क काशी भी लेंगे और फिर म मथुरा भी लेंगे। और आज देखिए, सोमवार के दिन ही भोले बाबा प्राप्त हुए हमको, सोमवार उन्हीं का दिन है। मन बहुत प्रसन्न है आज। हिंदुओं की महादशा है, आप लोग शुभकामना कीजिए और ठीक से शुभकामना कीजिए कि 2024 के चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। जब जब संत नेतृत्व करते हैं, तब तब कोई न कोई अच्छे कार्य होते हैं। महाराणा प्रताप का नेतृत्व तुलसीदास जी महाराज ने किया, वो तो तैयार हो गए थे अकबर से संधि करने के लिए, पर तुलसीदास जी के यहां गए चित्रकूट, और उन्होंने रामायण की चौपाई के करे, तुम सिसोदिया सूर्य वंश में हो, राम जी क्या कहते हैं परशुराम से, जो रण हमें प्रचार प्रचारे को लड़े सुखेन काल की ना हो। सूर्यवंश काल से भी नहीं डरता, अब तुम इस तुर्क से डरोगे। तब महाराणा प्रताप का मन बदल गया, चित्तौड़ जीत लिया, जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे, पर अकबर के सामने झुके नहीं महाराणा प्रताप। इसलिए हम लोगों के लिए आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है। हम धीरे धीरे अब कोर्ट निर्णय कर ही देगी, ऐसा नहीं है, हम कोर्ट से ही निर्णय कराएंगे और काशी ज्ञान बापी से इनकी मस्जिद को हटाकर दिव्य विश्वनाथ का फिर मंदिर बनाएंगे। आइए अब कथा की ओर चलें। गर्मी बहुत पड़ रही है यहां, आज उसी समाचार के क्रम में इसे थोड़ा विलंब हुआ, पर गर्मी भी बहुत पड़ रही है, कांप जाता है मन। तो आज चलिए जल्दी से, आज की कथा में आपको, आपने तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं की है, गुब्बारे उब्बारे नहीं लगाए कुछ आपने, मैंने देख लिया सब।
ऐसा मत समझिए मैं 1000 आंखों से देखता हूँ,